नमस्कार फेस टू फेस के एक और नए अंक में मैं विकास नांगिया आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात समय समय पर सामाजिक राजनैतिक धार्मिक और कला मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों से करवाते हैं दोस्तों अपने आज के अंक में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं विश्व भर में फैले स्वाध्य परिवार के प्रमुख जिन्हें सब कोई बड़े प्यार से और आदर से दीदी जी कहकर संबोधित करता है आइए उनसे मुलाकात करें धनश्री अठावले तलवारकर जी से दीदी जी आपका फेस टू फेस स्वागत है नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं हिल्टन गार्डन होटल न्यू जर्सी में आपने समय निकाला हमसे दो ब दो बातचीत करने के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो दो वर्ष पूर्व आपकी मेरी आ, आपसे मेरी जब मुलाकात हुई थी न्यूयॉर्क में जैकब जेव सेंटर में तब थोड़ी दुखद घड़ी थी आप पूजनीय दादाजी के फूल लेकर के आए थे और इस वक्त माहौल कुछ बदल गया है Uh, मैं ये चाहूँगा कि दो साल में जो uh, मैं कहूँगा कि जो आप पर कार्यभार आया उसके बारे में हमें कुछ बताइए हम तो ये कहते हैं कि कार्यभार केवल मुझ पर आया नहीं है ये एक तरीके से पूरे स्वाध्याय परिवार ने के सहयोग के साथ संभाला हुआ है और मैं और मेरे साथ पूरा स्वाध्याय परिवार साथ में दादाजी ने जो ज़िम्मेदारी हम लोगों के ऊपर दी है हम लोग संभाल रहे हैं और इससे आगे बढ़कर अगर मैं ये कहूँ तो हम लोग ये मानते हैं कि दादाजी ने जब से ये भूमिका बदली है हम ये मानते हैं कि दादाजी ही इस नई भूमिका में हमसे ये करवाते हैं और हम ये करते हैं इसलिए ये काम करते समय ज़रूर लोगों के लिए हम करते हैं काम पर हम दादाजी को हृदयस्थ मानते हैं और इसलिए काम करते समय हमें ये अनुभव होता है कि दादाजी के मार्गदर्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं रूहानियत के स्तर पर बात करें तो ये तो सही है कि दादाजी उपस्थित हैं आपसे कार्य करवा रहे हैं लेकिन यदि बात करते हैं कि जब कभी एक महिला एक दीदी जब एक इतने बड़े परिवार का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर चलती हैं तो वो अपने आप को कितनी सटीक कितनी मजबूत पाती हैं हम ज़रूर मजबूत हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे इतने सारे भाई और इतने सारे बहनें हमारे साथ हैं और इसलिए समग्र परिवार जब एक साथ काम करता है तब आप समझ सकते हैं कि जब छः लाख कृतिशील परिवार जब काम करता है तब समग्र विश्व भर का परिवार एक साथ काम करता है तब ज़रूर से मजबूत होता है हम अकेले जब हैं तब भी दादाजी के साथ हम मजबूत हैं और हम हमारे पूरे परिवार के साथ काम करते हैं तब भी हम मजबूत हैं क्योंकि हम दादाजी के साथ हम परिवार के साथ हैं इसलिए हम ज़रूर मजबूत हैं और दादाजी के प्यार के साथ दादाजी के विचारों के साथ और दादाजी के इस तरीके के साथ जिस तरीके के साथ और जिस रीति पद्धति के साथ हम काम करते हैं हम ज़रूर मजबूती के साथ काम करते हैं और इस मजबूती के साथ हम जो दो साल में आगे बढ़े हैं आप समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रयोगों के साथ हमने जो काम किया है आज विश्व भर में स्वाध्याय परिवार जो काम कर रहा है आ, मीडिया में चाहे वो न्यूज़पेपर का हो या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो हम बहुत बड़े पैमाने पे आगे नहीं आते हैं और इसलिए हम स्वाध्याय परिवार को एक साइलेंट सिंगिंग रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि ये साइलेंट सिंगिंग रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड है इसलिए बहुत जोर शोर से काम चलता है और इन दो सालों में बहुत सारे अलग अलग प्रयोगों में हमने काम भी किया है स्वाधेय परिवार ला रहा है साइलेंट रेवोल्यूशन इस पर हम दीदी जी से परिचर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से फेस टू फेस में स्वागत है आज के अंक में हमारे साथ मौजूद हैं स्वाध्यय परिवार की दीदी जी आइए उनसे दो में दो बातचीत करें दीदी आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया कि स्वाध्याय परिवार एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहा है ये रेवोल्यूशन क्या है पिछले दो सालों में हमें यहाँ पर यूएसए बैठे बैठे कुछ तो खबर मिल रही थी कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपके स्वाध्यय परिवार के नेतृत्व में आयोजित किए गए हैं क्षत्रिय सम्मेलन इत्यादि उसके बारे में हमें कुछ बताइए बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स स्वाध्याय परिवार ने लाए हैं हम तो इन्हें प्रोजेक्ट्स भी कहना नहीं चाहते पर प्रोजेक्ट से शब्द दिए बिना सामान्य तरीके से समझा नहीं जा सकता प्रोजेक्ट्स तो शायद वो होते हैं कि जिनको बना करके संपूर्णता के जगह पे लाया जा करके छोड़ दिया जाता है पर हम तो वो चीज़ें करना चाहते हैं कि जो हमारे जीवन विकास की है और जो शुरू किए करने के बाद वो छोड़ी नहीं जा सकती जिसमें से वो चीज़ें हैं कि जिनके पीछे ऐसे तत्वज्ञान है जैसे कि दादाजी ने कहा कि स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धि विन्नति मानवाहा व्यक्ति अपनी निपुणता दे करके के भक्ति कर सकता है तो इस तत्वज्ञान के ऊपर आधारित योगेश्वर कृषि की इसी तत्वज्ञान के ऊपर आधारित मत्स्यगंधाएं करी भगवान वृक्षों में है पेड़ों में है सभी जगह पे है भगवान का सर्वव्यापकत्व बताने के लिए दादाजी ने वृक्ष मंदिर बनाए तो ये जो प्रयोग है तो ये प्रयोग ये प्रोजेक्ट नहीं है जैसे कि एक प्रोजेक्ट बनाया बताया पूरा कर दिया बंद हो गया पर समझाने के लिए प्रोजेक्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं पर ये वो प्रयोग हैं जो इंसान के ऊपर और इंसान को तैयार करने के लिए बनाए गए हैं वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं पर इन दो सालों में हमने आ, सामाजिक स्तर के ऊपर एक आ, नया प्रयोग ये किया कि हमने क्षत्रिय संचलन किए और दादाजी बहुत दफ़ा ये कहते थे कि दीदी हमने क्षत्रिय संचलन करने हैं और इसलिए हमने ये सोचा था कि एक क्षत्रिय संचलन तो करने ही थे क्या है ये क्षत्रिय संचलन वैसे तो संचलन वो है संचलन इज रैली बेसिकली हमने ये सोचा कि त्रिकाल संध्या जिसे लेकर के स्वाध्याय परिवार चलता है अब ये त्रिकाल संध्या वो है इट इज थ्री टाइम्स प्रेइंग कि कम से कम तीन दफा भगवान को याद करें तीन दफा क्यों ये सवाल जब पूछा जाएगा तो इसकी बात यह है कि तीन ऐसे समय है हमारी ज़िंदगी के दिन के जो अति महत्वपूर्ण है कि हम सुबह को जब उठते हैं तो हम कैसे उठते हैं ये एक अति गहन प्रश्न है कि हम जब सोते हैं तो हमारा उठना जो है वो कौन सा धक्का है जो हमें उठाता है हमें आज तक ये नहीं पता फिर भी हम उठते हैं हम कहते हैं कि मैं उठा हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने वाला कोई है मैंने रोटी खाई उसका खून बनाने वाला लाल खून बनाने वाला कोई है वो पचाने वाला कोई है और वैसे ही मैं कैसे सोता हूँ ये हमें नहीं पता पर हर कोई सोता है और ऐसे समय पे भी हम सोते हैं जब सोया नहीं जाना चाहिए हमें पता नहीं है हम कैसे सोते हैं तत्वज्ञानियों को पूछते हैं हम कैसे सोते हैं तत्वज्ञानी को नहीं पता कैसे सोते हैं फिलोसोफर्स भी कहते हैं कि वॉट इज स्लीप तो उन्हें नहीं पता कि कैसे सोया जाता है शंकराचार्य को पूछा कि कैसे सोते हैं वो कहते हैं कि पूरी तत्नाड़ी में प्रवेश करता है जीव उसे कहते हैं सोना पर हमें नहीं पता कि पूरी तत्नाड़ी क्या है ये सोच करके कोई नहीं सोता फिर भी सोते हैं फिलोसोफर्स को पूछते हैं वो कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द अनकॉन्शियस ऑन द सुपरफिशियल माइंड दैट इज स्लीप ये कहते कहते नींद आती है पर पता नहीं चलता है वॉट इज स्लीप तो वो जो नींद देता है वो भगवान जो है वो उन्हें उन्हें तब नमस्कार किया जाना चाहिए वो तीन जो समय है जो अति महत्वपूर्ण है वो स्मृति देने वाला भगवान है सुबह हम जब उठते हैं वो हमारी स्मृति लेकर के उठते हैं हमें अगर नहीं पता चलेगा कि हमारी बीवी कौन है सुबह उठ के, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी जी। तो ये त्रिकाल संध्या लेकर के हम लोगों तक पहुँचते हैं तो ऐसे जो क्षत्रिय कम्युनिटी है वॉरियर कम्युनिटी भारत में बहुत बड़ी कम्युनिटी है और वो अनटच्ड है जिनके पास हम कभी पहुंचे नहीं है ये त्रिकाल संध्या का विचार लेकर के उन लोगों तक जाने का हमने संकल्प किया ये क्षत्रिय कम्युनिटी जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है वो अपने आप वॉरियर कम्युनिटीज़ है पर अपने आप में कोई रिश्ता नहीं रखती है तो उन लोगों को एक संग जोड़ने के लिए हमने जाने का संकल्प किया वो है क्षत्रिय पर अपने आप को अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए अपने आप को समझते हैं ऐसे गुजरात में हमने सोचा कि वो क्षत्रिय है पर अपने आप को अलग अलग नाम दे करके बटे हुए जीते हैं और एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखते हैं और अपने आप को इतना अलग समझते हैं और ऊँच नीच के इतने रिश्तों में बटे हुए हैं कि एक दूसरे से झगड़ों में बटे हुए हैं तो उन लोगों को जोड़ेंगे और एक क्षत्रिय नाम के साथ उनको जोड़ेंगे और त्रिकाल संध्या का विचार लेकर के जाएंगे उनके पास तो इस तरीके से हमने दो साल तक उन लोगों में काम किया और इसके बाद में हमने अहमदाबाद में दस लाख बड़ोड़ा में दस लाख और राजकोट में दस लाख इस तरीके से उन्नीस के उन्नीस जिले में काम करके पूरे गुजरात भर से तीस लाख क्षत्रियो में काम किया और तीस लाख क्षत्रियो में काम करके तीस लाख क्षत्रियों को इकट्ठा करके क्षत्रिय संचलन किए दीदी यहीं पे मैं जानना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि त्रिकाल संध्या या तीन समय जो है इष्ट को याद करने के लिए कुछ श्लोकों का कुछ मंत्रों का सहयोग लिया और उस द्वारा प्रभु को याद करने की प्रेरणा आपने उन्हें दी क्या लगता है आपके नज़रिए से मंत्रों का श्लोकों का किस कितनी उसमें जान है कि जो है इंसान जो है अपने सही रास्ते को पा सकता है अपने सही रास्ते पर चल सकता है मंत्रों और श्लोकों के ज़रिए मंत्र या तो श्लोक ये ये उसके प्रतीक होते हैं उसके पीछे जो अर्थ है उसके पीछे जो भावना है ये महत्वपूर्ण है और इस भावना और अर्थों से जो लोगों का एकत्रीकरण है ये एकत्रीकरण ये महत्वपूर्ण है श्लोकों का मतलब ये महत्वपूर्ण होता है आज आप ये समझ लीजिए श्लोकों का मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो दस लाख लोगों का एकत्रीकरण ये महत्वपूर्ण ज्यादा है उस वो श्लोक कहाँ से आता है या तो श्लोक का पठन ये महत्वपूर्ण है इससे अधिक दस लाख लोगों का एकत्रीकरण ये ज्यादा महत्वपूर्ण है जी क्षत्रिय संचलन के अतिरिक्त साइलेंट रेवोल्यूशन के तहत स्वाध्याय परिवार ने गीता जयंती और भी उसके अतिरिक्त कुछ और भी कार्यक्रम आयोजित किए उस पर हम बातचीत करेंगे दीदी जी से लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सबका फेस टू फेस में एक बार फिर से स्वागत है दीदी आपका भी एक बार फिर से स्वागत है साइलेंट रेवोल्यूशन के तहत हम बात कर रहे थे स्वाध्य परिवार जो कार्यक्रम जो मुख्य कार्यकारिणी जो उनकी चल रही है जो आप पिछले एक साल में पिछले दो सालों में क्षत्रिय संचालन आयोजित किया उसके अतिरिक्त गीता जयंती के बारे में भी हमें कुछ पता चला था उसके बारे में कुछ बताइए गीता जयंती के तहत तो हम लोग युवाओं के द्वारा वक्तृत्व स्पर्धाएं आयोजित करते रहे हैं पर वो कार्यक्रम तो वैसे 25 साल हो गए इस बात को कि हम लोग करते आ रहे हैं पर 25 साल से जब ये शुरू हुए वक्तृत्व स्पर्धाएं वो तो बहुत छोटे पैमाने पे शुरू हुई जैसे कि वो शुरू हुई थी जब वो तो 20 25 50 एक छोटे से ग्रुप से शुरू हुई वक्तृत्व स्पर्धा वो आज जा कर के जब इतने साल हो गए उस बात को वक्तृत्व स्पर्धा के तब इस साल जब वक्तृत्व स्पर्धाए गीता जयंती की हुई है तब सभी के लिए हमारे लिए भी ये एक सुखद आश्चर्य की बात है कि हम उस मुकाम पे जा कर के पहुँचे हैं जब हम वक्तृत्व स्पर्धा में 22 लाख युवान और युवतियों को पार्टिसिपेट कर पाए हैं और भारत भर में ही नहीं विश्व भर के युवान और युवतियों को हमने इसमें पार्टिसिपेट करवाया है जिसमें 16 से लेकर के 30 ये एज ग्रुप हम रखते हैं जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और गीता जयंती से पहले करीब तीन हफ्ते तक चार हफ्ते तक हम ये वक्तृत्व स्पर्धाएँ शुरू करते हैं जिसमें उनको एक निश्चित विषय दिया जाता है और पाँच मिनट के लिए वो लोग बोलते हैं पर स्पर्धा एक वजह है ये केवल वजह इसलिए है कि ये विषय दे करके हम गीता को उन फैमिलीज़ में उन परिवार में ले जाना चाहते हैं उन युवाओं के द्वारा उन बच्चों के द्वारा कि जिससे वो युवान, यो युवतियाँ उनके परिवारों में उन विषयों के द्वारा गीता की चर्चा करें, गीता के बारे में जिज्ञासा परिवारों में शुरू हो माँ बाप में माँ बापों में भी जिज्ञासा शुरू हो उनके भाई बहनों में भी जिज्ञासा हो वो लोग भी पार्टिसिपेट करें वो लोग भी सुने तो करीब ऐसा आप सोचिए कि गीता जयंती से पहले करीब महीने डेढ़ महीने तक पूरा फैमिली का जो वातावरण है वो वातावरण गीतामय हो जाता है और ऐसे 22 लाख युवाओं ने और युवतियों ने अगर पार्टिसिपेट किया हो तो 22 लाख परिवारों ने उसमें पार्टिसिपेट किया हो ऐसा आप समझ सकते हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारी सिद्धि हम समझते हैं कि इतने दिन तक गीता में वातावरण में इतने लोग रह चुके हैं जी युवा वर्ग को प्रेरित करना गीता के माध्यम से और क्षत्रियों को त्रिकाल संध्या के समय पूजा के द्वारा आपने प्रेरणा दी उसके अतिरिक्त और क्या क्या कार्य करनी हो रही है उसके बारे में बताइए एक इस साल हमने दो साल में एक दूसरा भी एक विषय सोचा था कि हमारे जो गांव के लोग हैं जो दादाजी के परिवार से जुड़े दादाजी के लोगों से जुड़े हमसे जुड़े उन लोगों में ऐसे गांव हमने चुने कि जिन गांव में ऐसे गांव है कि जो करीब 90 प्रतिशत गाँव दादाजी के विचारों से जीते हैं दादाजी के परिवारों से ऐसे जुड़े हैं जिसमें नब्बे प्रतिशत लोग स्वाध्यायी गांव है और दादाजी के तरीके से जीना चाहते हैं ऐसे जो दादाजी के परिवार से जुड़े हुए परिवार है और गांव है ऐसे गांव में जिसमें अब कोई शराब नहीं कोई झगड़ा नहीं कोई मारामारी नहीं तो हमें ये लगा कि ऐसे गांव जो है वो गांव ऐसे भी क्यों नहीं हो सकते कि जिसमें रोग रोग भी ना हो तो ऐसे गांव में हमने जिसे हमारी समझ के लिए हम मेडिकल कैंप्स कहे जिसे हम आरोग्य संयुज कहते हैं तो हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम्स जिसे हम कहे वैसे हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम्स का भी अगर हम आ, आयोजन करें जिसे हम आरोग्य संयुक्त कहते हैं जहाँ पे इन हाउस डॉक्टर्स हमारे ही स्वाध्याय परिवार में जो डॉक्टर्स हैं वो उन लोगों ने आ, उन लोगों को लेकर के हम जाए उन लोगों के पास जहाँ पे हमने भाइयों के जैसा संबंध बांधा है जिन लोगों के साथ उन लोगों के पास जा कर के अगर हम इंडवेलिंग गॉड की कल्पना उन्हें दे सकते हैं भगवान मेरे साथ है सन्निध्य है ऐसा अगर हम उन्हें समझा सकते हैं और बता सकते हैं तो उन्हें ये भी समझाएंगे शरीर को कैसा बनाया जाना चाहिए ये भी समझाएंगे भगवान जिस देह में रहता है उस देह को कैसे संभाला जाना चाहिए ये भी बताएंगे उन्हें किचन मेडिसिन भी समझाएँगे पूरे फैमिली को आपने कैसे संभालना चाहिए ये बताएँगे तो उसमें भारत के भी हमारे डॉक्टर्सों ने भाग लिया और हमारा ये ये रहा है कि केवल स्वाध्यायी जो डॉक्टर्स है हमारे फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं परिवार के डॉक्टर्स वही भाग लेंगे क्योंकि हम रिश्ता बांधने के लिए जाते हैं सेवा भाव से दया भाव से जाने वाला कोई डॉक्टर ना हो तो फैमिली से आने वाला डॉक्टर हो तो वहाँ से भी आए और अमेरिका में हमारा बहुत बड़ा काम चलता है अमेरिका में करीब 35 अलग अलग स्टेट्स में काम चलता है अमेरिका में और इसलिए हम अमेरिका में बहुत दफ़ा आते रहते हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर सकते हैं तो अमेरिका में से भी इस बार करीब बहत्तर डॉक्टर्स अमेरिका से भी आए वहाँ पर तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका से इतने सारे डॉक्टर्स वहाँ पे आरोग्य संयुज के लिए आए केवल हफ्ते भर के लिए छुट्टी लेकर के यहाँ से डॉक्टर्सों ने आना ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए आ, समय का भाव है मैं झट से दो क्वेश्चन दो प्रश्न और आपसे पूछ लेना चाहता हूँ कि नॉर्थ मैं ये कहूँ कि विश्व भर में पहले स्वाध्य परिवार में आ, जो स्वाध्य परिवार के सदस्य जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं उनकी क्या भूमिका है उस पर तो मैं बात करूँगा आखिरी प्रश्न होगा वो मेरा लेकिन उससे पहले ये जो तीन आपने प्रोजेक्ट्स की बात अगर मैं करूं उसके बात आपने करी बहुत अच्छी बात है उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं लेकिन एक प्रश्न जो मेरा जहन में आया वो आपसे ये करना चाहता हूं कि भारत जो है बहुत प्राचीन देश है जिसकी एक सभ्यता है संस्कृति है और जिसकी तरफ आज दुनिया की नज़र है मौजूदा दौर में हर कोई भारत को देख रहा है भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है आईटी की वजह से मेडिकल की वजह से टूरिज्म की वजह से कई चीज़ों की वजह से बूम कर रहा है और एक चीज़ जिसकी वजह से और बूम कर रहा है वो है धर्म की वजह से कई जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जाते हैं कुछ फिल्में बनाने जाते हैं धर्म के भारत के धर्म के ऊपर अनेकों धर्म हैं अनेकों गुरु हैं एक ईट उखाड़ो एक गुरु बैठा हुआ है चप्पे चप्पे पर कोई गीता का पाठ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी आतंकवाद भी फैला हुआ है काफी कुछ दारो मदार गुरुजनों पर जाता है कि भारत की क्या प्रतिमा बनाते हैं भारत की क्या छवि बनाते हैं वो इस देश इन देशों के सामने जो भारत में धर्म को लेकर के खोज करने आ रहे हैं क्या करना चाहिए आप लोगों मैं उन धार्मिक लोगों में से नहीं हूँ इसलिए मैं उन धार्मिक लोगों के ऊपर कोई टिका टिप्पणी करना नहीं चाहती जो उस उन धार्मिक लो, उस धर्म की बात करते हैं उसमें मैं नहीं हूँ क्योंकि ऐसे धर्म की बातें करना और ऐसे धर्म को बेचना ऐसे धर्म को लेकर के ही काम करना और ऐसे धर्म को लेकर के ही झगड़े करना उसमें मैं नहीं हूँ इसलिए मानव को लेकर के काम करना परंतु यदि आपके नजरिए से बात करें तो भारत के जो ये जो लोग आ रहे हैं जो आईटी के लिए आ रहे हैं वो अलग है जो टूरिज्म के लिए आ रहे हैं वो अलग है लेकिन धर्म की खोज में जो भारत आ रहे हैं आपकी नजर से उन्हें क्या प्रस्तुत करना चाहिए भारत में आने वाला जो है वो पहले सही माने में धर्म क्या चीज़ है वो जानता है क्या वो इसी तरह के अगर डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता है तो उन्हें हम क्या कहें वो सही माने में ग्रासरूट लेवल के ऊपर कुछ काम हो रहा है वो बनाना चाहता है क्या वो समझना चाहता है क्या हम आपसे ये कहते हैं कि इस तरीके के रेवोल्यूशंस बन रहे हैं वो समझने वाला कोई हम तक क्यों नहीं पहुँचा आज तक इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर क्षत्रिय संचलन बन रहे हैं इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर इंसान को बनाने की बदलने की बदलने के काम चल रहे हैं हम आपको बत, बता रहे हैं कि आज 20 लाख से ज़्यादा लोगों को बदला है हमने अगर हम ये कहते हैं तो हम तक हम तक पहुँचने वाला एक शख्स भी अगर अमेरिका से नहीं आया इंग्लैंड से नहीं आया न किसी देश से आया न भारत में से कोई हम तक पहुंचता है ये समझने वाला न राजकीय कोई व्यक्ति आता है न समाज से कोई व्यक्ति आता है सामाजिक काम करने वाला इसलिए सही समझने वालों को हम तक आना ही नहीं है सही काम जो चलता है वहाँ तक किसी को पहुँचना ही नहीं है इसलिए ऐसे लोगों को अगर आना ही नहीं है समझना ही नहीं है तो उसके बारे में हमने बोलना क्या है इसलिए लोगों तक सही धर्म लोगों को सही धर्मों को जानना नहीं है सही परिवर्तन को समझना नहीं है इसलिए उनको जानना क्या है उनको इसी तरीके से गलत धर्मों को बेचना है गलत धर्मों को बदलना है गलत धर्मों को गाना है और कथा कीर्तनों को समझना है इसलिए उन लोगों से हम क्या कहें इसलिए ऐसे धर्म के बारे में हमने टिक्का टिप्पणी करना ये भी बेकार है आखिरी प्रश्न विश्व भर में फैले स्वाध्य परिवार के सदस्यों के बीच नॉर्थ अमेरिका के स्वाध्यायों में उनकी क्या भूमिका है हम यहाँ पे उस हम यहाँ पे इसी तरीके से काम करते हैं जैसे भारत में करते हैं वैसे ही काम यूनाइटेड किंगडम में चलता है वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में चलता है यहाँ पे भी हर एक स्टेट में हमारा स्वाध्याय केंद्र है यहाँ से भी जैसे भारत से भक्ति फेरियों में लोग जाते हैं अपना जेब खर्च करके जाते हैं अपना डिब्बा टिफिन ले कर के जाते हैं अपने खर्चे से जाना अपने खर्चे से रहना ये जैसे होता है वैसे यहाँ से भी अपना समय निकाल करके जाना अपने जेब से खर्चा करके जाना वैसे यहाँ से भी पढ़ा लिखा आदमी जब यहाँ से खर्चा पानी लेकर के फिजी जाता है तिन जाता है ऑस्ट्रेलिया जाता है सुरीनाम जाता है आश्चर्य की बात है नहीं जाते हैं ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास लोग नहीं है और इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए जाना इस तरीके से लोग नहीं होते हैं हमारा काम निश्चित अलग रूप से दिखता है क्योंकि हमारे यहाँ काम करना पड़ता है केवल पैसा फेंक करके धर्म धर्म में काम करने वाला जो इंसान है उसे बड़प्पन मिलता है दूसरी जगहों पे हमारे यहाँ नहीं मिलता है इसलिए यहाँ पे मुट्ठी भर लोग आपको दिखेंगे अलग जगह पे ज़्यादा लोग दिखेंगे क्योंकि पैसा फेंक करके काम होता है यहाँ पे पैसा फेंक करके काम नहीं होता है यहाँ पे व्यक्ति को खड़ा रहना पड़ता है व्यक्ति को काम कर काम करना पड़ता है तन मन बाद में धन अपने व्यक्ति को काम करना पड़ता है ऐसे हजारों लोग आपको हमारे इस काम में यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेंगे जो त्रिनराज जाते हैं सुरिनाम जाते हैं बारबाडोस जाते हैं फिजी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं न्यूजीलैंड जाते हैं इंटर नेशनल अलग अलग स्टेट्स में छुट्टियां लेकर के जाते हैं यहाँ पे यूथ कैंप्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में काम चलता है पर यहाँ पे काम करना पड़ता है भगवान के लिए समय देना पड़ता है यहाँ पे व्यक्ति के विकास के लिए काम करना पड़ता है यहाँ धर्म बढ़ाने के लिए काम नहीं है विस्तार के लिए काम नहीं है व्यक्ति विकास का काम है और व्यक्ति विकास के बिना समाज परिवर्तन शक्य नहीं है और समाज परिवर्तन के बिना देश का विकास शक्य नहीं है व्यक्ति विकास का जो बेड़ा आपने उठाया है उसको वो बढ़ता रहे और अच्छे से चलता रहे उस शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत के लिए आपने हमारे से बातचीत करने के लिए हमारे से समय निकाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीदी हम शुक्रिया इसलिए करते हैं और हम भी आपके लिए शुभकामनाएं इसलिए करते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं कि इस तरीके से काम जो चलता है उसकी टिप्पणी लेते हैं और आप हमें हमेशा याद करते हैं इसलिए आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं नमस्कार, नमस्कार।